नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारत। आज हम बात करेंगे बिहार में बनने वाले दूसरे सबसे बड़े जू के बारे में। आने वाले दिनों में बिहार को एक और जू मिलेगा। बिहार सरकार जल जीवन हरियाली योजना को बढ़ावा दे रही है। इसका ही परिणाम है कि अररिया और रानीगंज में राज्य का दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बने जा रहा है। बता दें कि रानीगंज में साल 2007-2008 में बनाए गए वृक्ष वाटिका को ही पार्क और चिड़ियाघर में तब्दील करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। नए साल में इस पर काम आगे बढ़ने की बात जो है वह कही जा रही है। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के 737.75 करोड़ रुपए के बजट में इसका प्रावधान जो है किया था। बता दें कि इस चिड़ियाघर को बनाने के लिए DPR तैयार कर लिया गया है। इसके जो अगर हम भूभाग की बात करें तो 289 एकड़ जो भूभाग है अभी इसके पास वर्तमान में है। वहीं पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान 153 एकड़ में फैला। 2013 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने व्याख्यान केंद्र का शिलान्यास यहां पर किया था। कुछ महीने पहले उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद रानीगंज वृक्ष वाटिका का निरीक्षण कर इसे बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बनाने की भी घोषणा की थी। बता दें कि रानीगंज में वृक्ष वाटिका को विकसित करने की लगभग तैयारी जो है वह पूरी कर ली गई है। ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि दूसरे चिड़ियाघर बनने को लेकर कार जो है अब धरातल पर आने वाला है। रानीगंज वाटिका में तैनात फॉरेस्ट प्रतीप कुमार सिंह बताते हैं कि जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रथम स्तर पर परमिशन प्राप्त हो चुका है। दूसरे स्तर के परमिशन के लिए बिहार सरकार की तरफ से प्रक्रिया पूरी करने के लिए भेज दिया गया है। बता दें कि अररिया के रानीगंज में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से वृक्ष वाटिका का कॉन्सेप्ट जिला के पूर्व सांसद और उस समय के रानीगंज से विधायक रामजी दास ऋषिदेव ने तैयार किया था। बता दें कि उन्होंने 2008 में इस वाटिका का उद्घाटन किया था। यह भी बता दें कि वर्तमान में यहां 32 हेक्टेयर में रिसर्च प्लांट है तो 6 हेक्टेयर में 67 प्रजातियों के 3750 पौधे लगे हुए हैं। बता दें कि इस वाटिका में 2 हेक्टेयर में बम्बू, 8 से 10 प्रजातियाँ बाँस की है। बताया जा रहा है कि वाटिका में सरोवर को भी स्थापित की जाएगी जिसमें कि बोटिंग किया जा सके। वर्तमान में अगर हम वाटिका के जानवरों की बात करें तो यहाँ पर 4 मेल और 7 फीमेल हॉग डिनर है। यही नहीं, एक चीतल डियर भी है। वर्तमान में कुल 8 हिरन, 32 प्रजाति के अजगर है। साथ ही साथ दर्जनों नस्लों की प्रजाति के पक्षियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पे 2 पेंगोलिन भी है। सुपौल जिला के बीरपुर से ही यहाँ पे पहला हिरन लाया गया है। ऐसे में अब बिहार के लोगों को अब घूमने के लिए एक नया स्थान बहुत ही जल्द मिलने वाला है। आप यहाँ अपनी छुट्टियों में पूरा आनंद उठा सकते हैं। तो एक तरह से कह लें कि अररिया जिला का रानीगंज में जो है बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बनने वाला है, लेकिन यह बिहार का सबसे बड़ा चिड़ियाघर होगा। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।